इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर के बीच हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हो गई थी जब आदित्य रंजन सर ने 30 थार देने की बात की थी। आदित्य रंजन सर ने बोला कि जो भी उनके कोचिंग से पढ़ के 1 से 30 तक रैंक लाएगा उस बच्चे को आदित्य रंजन सर थार देंगे। और इस पर कैरियर विल के टीचर ऑनर राकेश यादव सर ने ये बोला था कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और बहुत ही घटिया स्ट्रैटेजी है और ये गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा है एसएससी के एग्ज़ामों में, ताकि कैंडिडेट इससे ही पढ़े और इसके ही कोचिंग के नाम लें जब भी वो टॉप करे थार के लालच में। अब इन सारे कॉन्ट्रोवर्सी के बीच गगन प्रताप सर ने भी इस पर रिप्लाई करा था और बोला था कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश यादव सर, ये लोग गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर आदित्य रंजन सर ने भी कुछ रिप्लाई करा, बट उस टाइम ये मैटर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा और ये मैटर क्लोज हो गया। लेकिन अब फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर के बीच। अब ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई है मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में 2021 सीजीएल का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसका रैंक 1 कैरियर विल पर अपना इंटरव्यू देने आया और राकेश यादव सर ने ये बताया कि ये बंदा मेरे से ही पढ़ा है और कैरियर विल से ही पढ़ के इसने रैंक 1 लाया। अब इसी वीडियो पर रिप्लाई करते हुए नीतू सिंह मैम ने एक एक्सपोज वीडियो शेयर करा जिसमें रैंक 1 और उसके फ्रेंड की वीडियो है और वो लोग ये बता रहे हैं कि कैरियर विल वाले ने उन्हें 15 लाख रुपया दिया था अपने चैनल पर लाने के लिए और नीतू सिंह मैम ने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, इसके बाद हर एक टीचर इस पर वीडियो बना रहे थे और आदित्य रंजन सर ने भी इस पर वीडियो बनाया। अब आदित्य रंजन सर ने ये बोला कि ये लोग मुझे बोलते कि मैं गंदगी फैला रहा हूँ, ये लोग खुद 15 लाख में रैंकर को खरीदते हैं। आदित्य रंजन सर का ये कहना था कि उन्होंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर उन्हें ट्रॉल कर रहे थे और उन्होंने थंबनेल पर ये लिख रखा था नो थार ओनली प्यार, जिसके वजह से आदित्य रंजन सर ने रिप्लाई करते हुए ये बताया कि रैंकर वो लोग खरीद कर लाए थे जो कि पहले ही एक्सपोज वीडियो में आ चुकी थी। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद गगन प्रताप सर ने एक वीडियो बनाया और असली कंट्रोवर्सी अब यहां से शुरू होती है जब गगन प्रताप सर ने यह कहा कि आदित्य रंजन सर को पढ़ाने नहीं आता है और अगर मैं 10 सीडीएस के क्वेश्चन उसे दे दूं तो वो नहीं बना पाएगा, और साथ ही साथ ये भी बोला कि पहले पढ़ाना सीख लो फिर बच्चों को पढ़ाना। अब इस मैटर पे आदित्य रंजन सर ने एक और वीडियो अपलोड करा और उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आदित्य रंजन सर लग रहे थे एंड उन्होंने गगन प्रताप सर को एक्सपोज करते हुए वीडियो बनाया और उसमें ये दिखाया कि उन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम 3 बार क्रैक करा है और साथ ही साथ सीजीएल में उनका रैंक भी है और सीएचएसएल में 114 रैंक है और ये भी कहा कि गगन प्रताप सर ने आज तक सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा है, 1 नंबर से उनका सिलेक्शन रह गया था और ना ही आज तक एमटीएस का एग्ज़ाम कभी क्रैक कर पाए हैं। उससे पहले गगन प्रताप सर ने यह कहा था कि सीडीएस में उनके बच्चे 152 नंबर मैथ में ला रहे हैं और इसी चीज पर पॉइंट आउट करते हुए आदित्य सर ने कहा कि सीडीएस में मैथ सिर्फ 100 नंबर की होती है तो 152 नंबर कैसे आ जाएगा, और ये भी बोला कि तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुमने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता होगा कि सीडीएस में मैथ सिर्फ 100 नंबर का होता है। और क्या कुछ कहा आप इस छोटे से क्लिप में देख सकते हो। बेवकूफ़ इंसान इतना तो देख ले भाई कि वीडियो में जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सबसे पहले आपने ये बात कहा कि सीडीएस के 40 सवाल दे देना तुमसे बनेगा नहीं। अबे गधे इंसान ये बताओ पहले यार, ये देखना जरा, पहले सीडीएस 3 बार निकाल रखा है, देखा कभी वीडियो आपने? 3 बार निकाल रखा और मुझसे बात करते हो कि सीडीएस के 40 सवाल हमसे नहीं बनेंगे। देखी वीडियो, देख लो, बड़ा आंख फाड़ के देखो, यूपीएससी का यहाँ पर है ना पूरा का पूरा एक बढ़िया तरीके से रोल नंबर भी दे रखा है, और होना पूरी वीडियो प्ले करके देख लो, कॉल लेटर फर्स्ट टाइम, कॉल लेटर सेकंड टाइम, कॉल लेटर थर्ड टाइम, तुम्हारे जैसे नहीं है कि एमटीएस का पेपर भी नहीं निकाल पाए 2 बार अप्लाई करने के बाद भी, तो ये बात तो कभी बोलना मत। और गगन प्रताप सर ने अपने वीडियो में ये भी बोला था कि तेरे पढ़ाए हुए बच्चे अगर एक भी एसआई और हवालदार भी होंगे तो मैं उसको थार दूंगा, जिस पर पॉइंट आउट करते हुए आदित्य सर ने ये बोला कि तेरी औकात नहीं है थार देने की, चल थाने में मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। इतना कुछ होने के बाद गगन प्रताप सर ने भी एक वीडियो बनाया और उन्होंने बोला कि अभी भी ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ, मेरे 10 क्वेश्चन तू बना, मैं तेरे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाता हूँ, तुझे पढ़ाना नहीं आता है। इस चीज़ को फिर से गगन प्रताप सर ने अपने वीडियो में अपलोड करके बोला है और ये भी बोला है कि मेरे बच्चे सीडीएस में रैंक लाते हैं। तो गगन प्रताप सर ने लास्ट रिप्लाई क्या करा है आप इस वीडियो में देख सकते हो। और जितने तू एसआई की बात कर रहा है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर वर्दी पहन के, तूने आज तक ज्वाइनिंग नहीं करी, 1 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके तूने मोदी जी को नहीं दिया और तू अपनी टोपी लगा के और उसको कमर्शलाइज कर रहा है। भारत सरकार जो गाड़ी पर लिखना इलीगल है, उसको तू लिखवा के चौड़ में घूमता है, फोटो डिलवाता रहता है बेवजह के,
हैं? और ये काम हमने कभी नहीं किया, नाम किसी को करने की सलाह देते नहीं, हिम्मत भी नहीं है कि मेरा एक्चुअल नाम गगन प्रताप, महाराणा प्रताप के खानदान से हूं मैं, रोदोगे मेरे सामने, अपने थंबनेल पे भी लिख जो, तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत नहीं, मेरे बाबा ने कितने प्यार से मेरा नाम रखा है। सो ये था आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर के बीच हुई कॉन्ट्रोवर्सी। आपका इस कॉन्ट्रोवर्सी पर क्या कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।